2021 में भारत का गेहूं निर्यात उछलने का अनुमान है। दो औद्योगिक अधिकारियों ने यह अनुमान व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्ष 2021 में देश से गेहूं का निर्यात उछलता हुआ 8 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर को छू सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है और समुद्री भाड़े की लागत आसमान पर होने के कारण भारतीय गेहूं एशियाई खरीदारों के लिए एक खासा आकर्षक बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि देश से गेहूं का निर्यात बढ़ता है तो इसकी वजह से विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत को अपने रिकॉर्ड स्टॉक को घटाने में मदद मिलेगी। और इतना ही नहीं, रूस और कनाडा जैसे प्रमुख निर्यातक देशों में आपूर्ति सीमित बनी होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की ऊंची कीमत को देखते हुए एशियाई खरीदारों को भी तुलनात्मक रूप से सस्ता भारतीय गेहूं मिल सकता है। चालू वर्ष के दौरान देश से गेहूं का निर्यात बढ़ता हुआ 42 लाख टन के स्तर को छू सकता है। गौरतलब है कि गेहूं के निर्यात का यह संभावित स्तर वर्ष 2013 के बाद का ऊंचा है। उन्होंने आगे कहा है कि मानवीय खपत के साथ साथ पशु आहार में भारतीय गेहूं की मांग अच्छी बनी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष पूर्व की आलोची अवधि की तुलना में वर्ष 2021 के आरंभिक 8 महीनों यानी कि जनवरी से अगस्त के बीच भारत का गेहूं निर्यात 887% उछलकर 30.70 लाख टन हो गया है। भारतीय गेहूं में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात की अच्छी मांग बनी हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पिछले वर्ष गेहूं का अधिकतर निर्यात वर्ष के अंतिम 4 महीनों में ही हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यापारी ने बताया कि हाल ही में करीब 1 लाख टन भारतीय गेहूं से लदे 2 कार्गो की इंडोनेशिया की फ्लोर मिलों को बिक्री की गई है। इसके अलावा फिलीपींस के पशु आहार निर्माताओं ने भी करीब 50,000 टन गेहूं खरीदा है। उन्होंने आगे बताया कि CNF यानी कि कॉस्ट एंड फ्रेट आधार पर एशियाई बाजारों में भारतीय गेहूं की कीमत काफ़ी आकर्षक बनी हुई है। यदि कोई एशियाई खरीदार भारतीय गेहूं की खरीद करता है तो रूस और यूक्रेन की तुलना में उसे 10 से 15 डॉलर प्रति टन की बचत तो भाड़े में ही हो जाती है। वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का रिकॉर्ड 10.952 करोड़ टन उत्पादन हुआ है। इतना ही नहीं, सरकारी एजेंसियों के पास इसका 5.18 करोड़ टन स्टॉक जमा है, जो कि बफर मानों की तुलना में 2 गुना है। निर्यात में उछाल आने के कारण भारतीय गेहूं की कीमत बढ़कर $305 प्रति टन हो गई है। 3 महीने पूर्व यह कीमत $260 थी। उन्होंने आगे बताया कि कीमत बढ़ने के बाद भी भारतीय गेहूं तुलनात्मक रूप से सस्ता बना हुआ है और उम्मीद जताई है कि वर्ष 2022 के मध्य तक निर्यात की गति ऐसी ही बनी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।